पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजनाएं संचालित की गई हैं, जो कि आज के समय में कागज पर ही ये योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि जो लाभुक है उसे नहीं दिया जा रहा है और जो कभी भी शौचालय निर्माण नहीं करा सका है उसको भी इस योजना का लाभ मिला है। जी हाँ, जरा आप भी देख सकते हैं कि एक लाभुक बांस बल्ले का अपने से ही टूटा फूटा शौचालय निर्माण कार्य कर लिया है। जी हाँ, मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत मढ़िया पंचायत में इन दिनों लोहिया स्वच्छ भारत मिशन कागज पर ही चल रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब हमारे वन इंडिया हिंदी की टीम ने पूरे मामले की तहकीकात की। इस दौरान हमारी नजर जब इस बांस बल्ले की शौचालय पर पड़ी तो सरकार के दावे की पोल खुली। जी हाँ, यह मढ़िया गांव और इस गांव में सैकड़ों लोग अपना आशियाना बनाकर रहते हैं, मगर इस गांव में कई ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण कार्य कराने में कोई मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। खुद से ये लोग बांस बल्ले की शौचालय का निर्माण कर स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आइए ले चलते हैं आपको मढ़िया गांव, जहां कई परिवारों को लोहिया स्वच्छ भारत मिशन योजना से कोसों दूर है। ये है अशोक कुमार यादव, जो कि राज्य सरकार या फिर पंचायत स्तर के इनके परिवारों को किसी भी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला है, जिससे ये लोग सरकार की योजनाओं की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। अपना पैसे से बनाया, बहुत परमन वाला है, फैमिली लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम अपने पैसे लगा के बना दिए। कुछ पैसा नहीं है तो क्या करें, सरकार तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है। मुखिया जी को बोलना है तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि अभी पैसा मांग रहा है, घूस मांग रहा है, इसीलिए हम नहीं बना पाते। तो क्या मांग रहा है घूस आपसे? बोल रहा है 1500 रुपया, 2000 रुपया दो तो शौचालय मिलेगा। शौचालय नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि जब तक नहीं पैसा दोगे तब तक शौचालय नहीं मिलेगा। तो ये अब खुद बनाए हैं? हाँ, खुद अपने पैसे से बनाए। बहुत परमल आ रहा है, मेरा लोग को बहुत तकलीफ आ रहा है, तो क्या करें। तीन भाई हैं, तीन भाई में से एक भी शौचालय नहीं है तो क्या किया जाए, बनाना पड़ता है। इससे पहले आप लोग कहाँ जाते, बाहर जाते हैं? बाहर नहर है, सड़क है, इधर उधर जाते हैं। अब महिला लोग को तकलीफ होता है, इसलिए अपना घर के बना दिया। तो माने सरकार जो चला रही है स्वच्छ भारत, हाँ जी, योजना कुछ नहीं लाभ दे रहा है। मुखिया जी सब खा जाते हैं, तो क्या किया जाए। हम लोग कहते हैं बार बार, तो बार बार वही सूचना देता है कि जब तक घूस नहीं दोगे तब तक काम नहीं। सरकार की लोहिया स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कागज के पन्नों पर ही चलाई जा रही है, किसी भी आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अशोक कुमार यादव, जो कि आजादी के बाद भी इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। ऐसे में शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करना लाजिमी है।